नमस्कार दोस्तों, तो लाभा वालों ने फाइनली लॉन्च कर दिए लाभा अग्नि 2, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल के स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च हुआ है। और इससे पहले मैंने ऑलरेडी लाभा अग्नि 2 के साथ आईक्यू Z7 का कंपैरिजन वीडियो बना दिया है, उसमें गिव अवे भी चल रहा है। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में देखेंगे लाभा अग्नि 2, जिसका नॉर्मल टाइम में प्राइस है तो 20,000, लेकिन अगर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 2,000 का डिस्काउंट, और उसके वजह से इस फोन का प्राइस हो जाएगा 20,000। तो इस 20,000 पे लाभा अग्नि 2 बेटर है या फिर नार्जो 50 प्रो बेटर है, इस वीडियो में जिसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेटो चैनल पे नए हैं और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेटो चैनल को सबसे करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अच्छा, एक कंपोनेंट्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो चीज कहना चाहूंगा। पहला, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे ही इंडिया पे आज लाभा अग्नि 2 लॉन्च हुआ है, एग्जैक्टली उसके नेक्स्ट मिनट पे मैंने देखा कि नार्जो 50 प्रो का जो प्राइस अमेज़न पे हो चुका है 21,000, और जो हाईएस्ट बिडिंग उसका प्राइस हो चुका है 23,000। सिर्फ अमेज़न पे नहीं, रियलमी के साइड में भी सेम चीज है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है, प्रोबेबली बहुत ही जल्द कोई सेल आने वाला है, शायद उसमें प्राइस कम रखने के लिए ये चीज हुआ है। लेकिन अगर अभी करेंटली नार्जो 50 प्रो लेने जाएंगे तो अभी आपको पेमेंट करना पड़ेगा 21,000 से भी ज्यादा। और जो दूसरा चीज, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि लाभा का जो सर्विस सेंटर उसका क्या क्वालिटी है। तो देखिए, एटलीस्ट लास्ट कुछ साल में लाभा के अगेंस्ट मैंने कोई नेगेटिव चीज नहीं सुना है। ट्विटर पे या फिर दूसरी जगह से मैंने देखा है, किसी भी इंसान ने इस ब्रांड के ऊपर कोई नेगेटिव चीज अभी तक एटलीस्ट नहीं कहा है। और हाँ, लाभा वालों ने लॉन्च किया है अग्नि मित्र नाम का एक इनिशिएटिव। इसके वजह से अगर आपके फोन में हार्डवेयर रिलेटेड कोई इशू होगा, आपके फोन को रिपेयर नहीं टोटली रिप्लेस किया जाएगा, और वो भी आपके घर में होगा, मतलब आपको सर्विस सेंटर में जाने की कोई जरूरत नहीं, ये चीज ध्यान में रखना। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का कंपैरिजन। तो दोनों फोन का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों के कलर को देख के। ये जो लाभा अग्नि 2, ये आपको टोटल एक ही कलर पे मिलेगा, जो कि ग्रीन। नार्जो 50 प्रो उसी जगह पे आपको मिलेगा टोटल दो कलर पे, ब्लू और ब्लैक। अगर हम दोनों की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें, लाभा के पीछे आपको मिलेगा टोटली ग्लास बॉडी, नार्जो के पीछे आपको मिलेगा नॉर्मल पॉलीकार्बोनेट, मतलब जिसे हम कहते हैं प्लास्टिक का बैक कवर। मतलब बिल्ड क्वालिटी में नो डाउट लाभा इधर है बेटर। लाभा का थिकनेस है 8.5 मिलीमीटर और वेट है 195 ग्राम। वैसे तो होना ही था, क्योंकि लाभा का जो बिल्ड क्वालिटी वो है ग्लास बॉडी, लेकिन उसी जगह पे नार्जो पे आपको मिलेगा 8 मिलीमीटर का थिकनेस और वेट है 173 ग्राम। डिस्प्ले की अगर बात करें, लाभा पे आपको मिलेगा 6.78 इंच फुल एचडी प्लस कार्ब्ड 10 बिट 120Hz सुपर एमोलेड डिस्प्ले। नार्जो पे आपको मिलेगा 6.4 इंच फुल एचडी प्लस 90Hz सुपर एमोलेड डिस्प्ले। लाभा का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ऑलमोस्ट 94% के आसपास। कोई भी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं, लेकिन किसी थर्ड पार्टी ब्रांड की तरफ से प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। लेकिन नार्जो पे आपको मिलेगा 91% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और गोरिल्ला ग्लास 5 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन। इसके अलावा लाभा पे आपको मिलेगा 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट और HDR10+ का सर्टिफिकेशन। नार्जो पे आपको कोई भी HDR10+ का सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, लेकिन जो टच सैम्पलिंग रेट वो आपको मिलेगा 360Hz का। इसके अलावा लाभा और नार्जो दोनों पे जो ब्राइटनेस वो आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 1000 nits के आसपास। तो इसका मतलब दोनों फोन के अंदर अगर आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी डिस्प्ले चाहिए तो उसके लिए लाभा इधर है नो डाउट बेटर। नेक्स्ट, अगर दोनों के सीपीयू के बारे में बात करें, तो ये जो लाभा अग्नि 2, इसमें आपको मिलेगा डायमेंसिटी 7050 5G प्रोसेसर, जो कि 6 नैनोमीटर पे। इसका अंटूटू स्कोर है 5,20,000 के आसपास। उसी जगह पे नार्जो पे आपको मिलेगा डायमेंसिटी 920 प्रोसेसर, जो कि 6 नैनोमीटर पे। इसका अंटूटू स्कोर है 4,85,000 के आसपास। अभी आपको तो पता ही होगा कि मैं सीपीयू रिलेटेड कंटेंट जनरली मैं बनाता हूं, तो मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगा कि दोनों प्रोसेसर के अंदर का जो हार्डवेयर सिस्टम वो एग्जैक्टली सेम, लेकिन लाभा के अंदर का जो डायमेंसिटी 7050 उसमें आपको बहुत सारे अपडेटेड ड्राइवर आपको मिलेगा। उसके वजह से इसका जो अंटूटू स्कोर या पे जो ओवरऑल सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन वो डायमेंसिटी 920 के मुकाबले स्लाइटली बेटर है। तो मतलब बेटर क्वालिटी सीपीयू के मामले में लाभा इधर है डेफिनेटली विनर। कैमरे की अगर बात करें, लाभा पे आपको मिलेगा 58 2x2 का रियर कैमरा, उसके साथ है डुअल LED फ्लैश। फ्रंट में आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी, उसके साथ कोई डेडिकेटेड फ्लैश नहीं। उसी जगह पे नार्जो के रियर साइड में आपको मिलेगा 48 8x2 का रियर कैमरा डुअल LED फ्लैश। फ्रंट में आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी, उसके साथ कोई डेडिकेटेड फ्लैश नहीं। वैसे ऑन पेपर सिर्फ मेगापिक्सल काउंट के मामले में लाभा इधर होगा बेटर, लेकिन ये चीज ध्यान में रखना, लाभा के अंदर का जो 50 मेगापिक्सल सेंसर वो एक्चुअली एक सेमी फ्लेक्सिबल सेंसर है, जिसका माइक्रोन साइज है 1 माइक्रोन। लेकिन उसी जगह पे नार्जो पे आपको बहुत ही एवरेज क्वालिटी का सेंसर मिलेगा। और आप इस चार्ट में देख सकते हैं,
इस चार्ट के अंदर आपको जो जो भी फोन दिख रहा है वो एक्चुअली फ्लैगशिप या पे सेमी फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन है। और ये सभी फोन में आपको लाभा में जो 50 मेगापिक्सल सेंसर दिख रहा है वही सेंसर आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम एक्सपेक्ट करेंगे कि लाभा का जो 50 मेगापिक्सल सेंसर का जो आउटपुट वो ऐसे ही फ्लैगशिप लेवल के सेंसर के जैसा तो नहीं होगा, ऑलमोस्ट नजदीक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम रैम और स्टोरेज की बारे में बात करें, लाभा का टोटल 1 वेरिएंट अवेलेबल है जो कि 8GB रैम 256GB मेमोरी, नार्जो को आपको टोटल 2 वेरिएंट मिलेगा 6 120GB और 8 120GB। लाभा और नार्जो दोनों पे आपको कोई भी एसडी कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा और दोनों ही फोन में LPDDR4X का रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज सिस्टम। तो इसका मतलब सेम प्राइस पॉइंट में ज्यादा रैम और स्टोरेज के कॉम्बिनेशन के मामले में लाभा इधर है बेटर। नेक्स्ट अगर बैटरी के बारे में बात करें, लाभा पे आपको मिलेगा 4700mAh बैटरी 66 वाट का चार्जर, नार्जो पे आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी और 33 वाट का चार्जर और दोनों का कनेक्टिविटी USB टाइप सी। तो मतलब देख सकते हैं कि नार्जो पे आपको स्लाइटली ज्यादा क्वालिटी का बैटरी मिलेगा लेकिन लाभा पे आपको एग्जैक्टली दुगना पावरफुल चार्जर सिस्टम आपको मिलेगा। तो इसका मतलब इस बैटरी और चार्जर के कॉम्बिनेशन पे लाभा इधर है डेफिनेटली बेटर। नेक्स्ट अगर दोनों के ऑडियो सिस्टम की अगर बात करें तो लाभा पे आपको मिलेगा नॉर्मल सिंगल स्पीकर, अभी इसके साथ आपको मिलेगा DTS HD का सर्टिफिकेशन, लेकिन नार्जो पे आपको मिलेगा डुअल स्पीकर जिसके साथ डॉल्बी एटमोस का सर्टिफिकेशन। तो इसका मतलब बेटर क्वालिटी ऑडियो आउटपुट में नार्जो इधर होगा बेटर। पोर्ट्स की अगर बात करें तो दोनों ही फोन में मिलेगा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और इसके अलावा दोनों पे मिलेगा 3.5mm जैक। तो मतलब पोर्ट्स डिपार्टमेंट में दोनों ही एग्जैक्टली सेम। OS की अगर बात करें, लाभा का ये जो फोन लॉन्च हुआ है एंड्रॉयड 13 आउट ऑफ द बॉक्स के साथ और इसका जो यूजर इंटरफेस वो मिलेगा स्टॉक एंड्रॉयड, लेकिन उसी जगह पे नार्जो पे आपको मिलेगा एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स और इसका यूजर इंटरफेस है रियलमी वाई वर्शन 4। तो मतलब बेटर क्वालिटी OS सपोर्ट के मामले में या फिर ज्यादा दिन तक OS अपडेट के मामले में लाभा इधर है बेटर। और क्योंकि दोनों ही फोन है 5G तो हमें देखना पड़ेगा कि दोनों पे हमें कितने सारे 5G बैंड मिलेगा। तो लाभा पे आपको टोटल 13 5G बैंड मिलेगा, नार्जो पे आपको टोटल 6 5G बैंड मिलेगा। तो मतलब ज्यादा 5G कनेक्टिविटी के मामले में भी लाभा इधर है बेटर। और इसके बाद फाइनली अगर दोनों के प्राइस के बारे में बात करें, लाभा का जो 8 256GB 2000 रुपये डेबिट कार्ड की मदद से डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस हो जाएगा 20,000 रुपये और नार्जो का अभी करेंटली 6 120GB का प्राइस है 22,000 और 8 120GB का प्राइस है 24,000 रुपये। तो अब इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो सेम प्राइस पॉइंट में दोनों में से कौन सा है बेटर, ये नेक्स्ट चार्ट देखने के बाद अगर सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप 20,000 रुपये पे नार्जो के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट और डुअल स्टीरियो स्पीकर, ये टोटल दो एडवांटेज मिलेगा जो कि लाभा पे मिसिंग है। लेकिन उसी जगह पे अगर आप लाभा के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा प्रीमियम ग्लास बॉडी, बिगर डिस्प्ले, कार्ड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज 10-bit पैनल, HDR10+ सर्टिफाइड, बेटर क्वालिटी CPU, बेटर कैमरा, 128GB ज्यादा स्टोरेज सेम प्राइस पॉइंट में, फास्टर चार्जिंग सिस्टम, स्टॉक UI और 13 5G बैंड। तो मतलब वीडियो का आपको समझ में आ गया होगा दोनों फोन के अंदर डेफिनेटली ऑलराउंड फोन की हिसाब से या फिर ऑलराउंड गेमिंग फोन की हिसाब से या फिर बेटर क्वालिटी एक बढ़िया कैमरा फोन की हिसाब से ये जो लाभा ओग्नी 2 नार्जो 50 प्रो के मुकाबले डेफिनेटली बेटर है। तो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्या आप लाभा ओग्नी 2 को लेना चाहेंगे या फिर नहीं, इसके बारे में मुझे क्वेश्चन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।